हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने पनीर लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। कर्ड ली है दही, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। कटा हुआ प्याज फाइन चॉप किया हुआ है। ये टमाटर, ये हमने कद्दूकस किया है और कद्दूकस करके हमने इसका छिलका निकाल लिया है। कसूरी मेथी, दालचीनी और लौंग लिए हैं। दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची ली है। ये हमने दोनों इलायची को इस तरह से आगे से खोल दिया है। काली मिर्च, रेड कश्मीरी मिर्च पाउडर, देसी घी, ये हमने ग्राम फ्लोर लिया है। ये हमने बेसन लिया है, भुना हुआ बेसन है, ये रोस्ट किया हुआ है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, एक लाल मिर्ची साबुत, तेज़पत्ता, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। इनकी मेजरमेंट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जो हमारे मसाले हैं इन्हें एक कटोरी में मिक्स कर देंगे। ये रोस्टेड बेसन जो है, ये भी, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन्हें हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। यह मिक्स हो चुका है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। इसे मेल्ट होने देते हैं, गर्म होने देते हैं। हमारा घी मेल्ट हो चुका है, इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्ची, दालचीनी और लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, कि हमारा गरम है। फ्लेम को हम लो कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ प्याज, अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, गैस की फ्लेम को। और फ्रेंड्स, इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। फ्रेंड्स, ये अभी लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है प्याज, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये जो हमने मसाला बनाया है मिक्स करके, ये हम बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं। अभी हमें इसे थोड़ा और ब्राउन होने देना है। ये फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे अनियन। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बाकी हमने मसाले मिक्स में डाल दी है। जो हमने मसाला मिक्स किया है, इसलिए हमने जगह चुटकी पर हल्दी डाली है इसमें। और अब इस पॉइंट पर हम गैस बंद करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करना है। मैंने गैस बंद कर दिया है, इसमें मैं दही डालूंगी, मिक्स करूंगी। Thank you.
और इस दही को हम पकने देंगे, गैस को ऑन कर लेंगे हम और हम लो फ्लेम पर इस दही को पकने का वेट करेंगे। दही को लगातार आप इस तरह से चलाते रहिए ताकि दही फटे नहीं। ये फ्रेंड्स दही में बॉयल आ चुका है, इसे अभी हमें और पकाना है। इसका जो मॉइस्चर है वो सूखना चाहिए दही का, इसे अभी हम इसे रेगुलर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दही का मॉइस्चर सूख चुका है, इसने ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स टमाटर के साथ आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लीजिए। अब हम इसे पकने देंगे। और फ्रेंड्स इसमें अब हम ये हमने जो टमाटर डाला है इसे 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ये अपना ये जो मसाला मिक्स है ये डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और अब हम टमाटर को फिर से पकाएंगे। जी फ्रेंड्स टमाटर को हमने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है, ये टमाटर भी पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसे 1-2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट तक पकने के बाद अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। ये हमने पूरा 1 कप पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स हम इसमें बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पनीर के क्यूब्स को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये हमने मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकने देंगे। कढ़ाई के ऊपर आप ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह रख दीजिए। ये हमने ढक्कन निकालकर चेक कर लेते हैं हम। ये हमारा पनीर मसाला बिल्कुल पक चुका है। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया है, आप इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी। मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और लास्ट में अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, बटर यदि आपको नहीं डालना है तो आप इसमें मत डालिए। हमने थोड़ा बटर ऐड कर दिया है। और ये हमारा पनीर मसाला ढाबा स्टाइल पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ढाबा स्टाइल पनीर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी लग रहा है ये देखने से तो, और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ।
बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है ये देखिए। तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।